हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, न्यू एक्सरसाइज 5.3। ओके स्टूडेंट्स, 5.2 को फिनिश कर चुके हैं। ओके, एंड लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस मैंने बताए थे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लाइक फ्रैक्शन बेस पर है, तो लाइक फ्रैक्शंस विच हैज़ सेम डिनोमिनेटर। ओके, लाइक फ्रैक्शंस के ग्रुप में वो होंगे जिसके पास सेम डिनोमिनेटर होगा। ओके, सो यहाँ कई सारे फ्रैक्शंस दिए गए हैं और इसमें आपको लाइक फ्रैक्शंस क्या करना है, चूज करना है। ओके, सो फर्स्ट इज 3/7, 4/5, 3/9, 4/7, 3/21। एंड सबसे पहले देखिए जो सिंप्लीफाई हो रहे हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3। ओके, 3/7, 4/5, 3/9, 4/7, 3/21, 8/11, 7/7 एंड 6/7। ओके, सबसे पहले जो ऐसे फ्रैक्शन जो सिंप्लीफाई होके डिनोमिनेटर में 7 मेक कर रहे हूँ उनको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। जैसे 3 and 21 कट हो रहा है, 3 7 21, तो इसको कट कर लेंगे, 3 1 3, 3 7 21। ओके, और फिर ऐसे ही नोट कर देंगे 4/5। अब इसे मत कट कर देना क्योंकि डिनोमिनेटर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला जो ऐसे फ्रैक्शन जो कटिंग होने के बाद डिनोमिनेटर में 7 मेक करें, सिर्फ उन्हीं को सिंप्लीफाई करेंगे। जो 7 ऑलरेडी हैं उनको टच भी नहीं करेंगे। ओके, 8/11, 7/7 एंड 6/7। तो लाइक फ्रैक्शन इज गोज टू 3/7, 4/7, 1/7, 7/7 एंड 6/7। ओके, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप क्वेश्चन नंबर जो बी है वो आप, सॉरी ये तो ए था, क्वेश्चन नंबर जो बी है वो आपका है कन्वर्ट दी अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस को किसमें कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में। अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन है यहाँ पर 4 9s and 3/7। ओके, सो कन्वर्ट दी अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ 9 and 7, 9 और 7 का इधर एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 3 3s are 9 7 एंड 3 1s are 3 7 एंड 7 1s are 7। ओके, सो एलसीएम इज 9 7s are 63। ओके, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, RACTION, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 4/9। अब हमको डिनोमिनेटर में क्या करना है, 60 जो एलसीएम आया 63 मेक करना है। तो 9 को 63 में कन्वर्ट करने के लिए 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे और 7 को 63 में कन्वर्ट करने के लिए 9 का मल्टीप्लाई होगा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, बार बार नहीं बताएंगे कि जो टर्म्स का न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा उसी सेम टर्म्स का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ओके, 4 7s are 28 एंड 9 7s are 63, 9 3s are 27 एंड 9 7 9s are 63। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 28/63 एंड 27/63। ओके, इसी बेस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आज थोड़ी छोटी क्लास रखेंगे, हाफ एयरली आप लोग भी दे देंगे, थक गए होंगे। 8/11 एंड 7/12, तो एलसीएम ऑफ 11 and 12, तो 11 और 12 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 2 11 6s are 2 11 3s are 3 11 1s are ओके एंड 11 1s are 11।
टू टू ज़ा फोर, थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व इलेवन ज़ा इलेवन, टू ज़ा ट्वेंटी टू, इलेवन वन ज़ा थर्टीन, वन थर्टी टू इज़ वन थर्टी टू। मेक दी मेक वन थर्टी टू इन बोथ द डिनोमिनेटर, ओके। सो अपोजिट डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का ही मल्टीप्लाई करा देंगे भाई, इधर ट्वेल्व, इधर 11 से 132 में तो 12 का मल्टीप्लाई होगा, और इधर बनाना है तो 11 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 12 इंटू 11 क्या है 132, ओके। सो 12 एट ज़ा 96 एंड 12 इलेवन ज़ा 132 एंड 11 सेवन ज़ा 77 एंड 132, ओके। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज दिस, ओके। सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आई होगी, और आज छोटी सी ही क्लास रखते हैं क्योंकि हाफ अर्ली आप लोग भी देख के आए हो और बोर भी हो जाओगे, पढ़ाई 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 ऐसा, ओके। सो बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, आपके हाफ अर्ली मार्क्स आपके पास जल्द होंगे, ओके।